नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और बुधवार का दिन है। नौमी तिथि आज दोपहर बाद 3:15 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का नौवां दिन है। नवरात्र के नौवें दिन रामनवमी इस नवरात्र की, बसंत के नवरात्र की के नौवें दिन रामनवमी मनाई जाती है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात अत्यंत शुभ रवि योग रहेगा। इसके अलावा पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:57 तक आश्लेखा नक्षत्र रहेगा। नवरात्र में नवमी का हवन नवमी के दिन ही करना चाहिए, यानी नवरात्र का हवन नवमी के दिन ही करना चाहिए। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 20 अप्रैल की रात 10:42 से अगली सुबह 5:34 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 अप्रैल को पूरा दिन पूरी रात रहेगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 21 अप्रैल की सुबह 5:50 से सुबह 9:03 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 25 अप्रैल की सुबह 5:46 से दोपहर पहले 11:01 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 20 अप्रैल की दोपहर 2:04 से दोपहर बाद 3:59 तक, और एक बार फिर शाम 6:15 से रात 12:57 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 20 अप्रैल की दोपहर 2:34 से शाम 4:29 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 19 अप्रैल की रात 8:05 से देर रात 1:01 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 21 अप्रैल की शाम 5:08 से शाम 6:11 तक, और एक बार फिर रात 8:31 से रात 12:53 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 24 अप्रैल की सुबह 5:47 से दोपहर पहले 11:05 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज 2:13 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:21 से दोपहर 1:57 तक, मुंबई दोपहर 12:38 से दोपहर 2:12 तक, चंडीगढ़ दोपहर 12:22 से दोपहर 1:59 तक, लखनऊ दोपहर 12:06 से दोपहर 1:42 तक, भोपाल दोपहर 12:20 से दोपहर 1:55 तक, कोलकाता दोपहर पहले 11:36 से दोपहर 1:11 तक, अहमदाबाद दोपहर 12:39 से दोपहर 2:14 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:09 से दोपहर 1:42 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप पिता का कोई जरूरी काम पूरा कराएंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में और मधुरता बढ़ेगी। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे, लेकिन आपको अपने मन को नियंत्रित करना होगा। किसी के साथ बहसबाजी में न पड़ें। वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह की गलतफहमी न पालें। आज आप किसी नए कार्य की योजना बनाएंगे। राम जी के दर्शन करें, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज नवरात्र के 9वें दिन भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनी रहेगी। आज आप सभी कामों में बहुत हद तक सफल रहेंगे। इस राशि की महिलाओं को आज के दिन कोई खुशखबरी मिलेगी। आज आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी बेहतर होगा। आपको माता पिता का सहयोग मिलेगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। कई दिनों से ऑफिस का रुका कार्य पूरा हो जाने से राहत महसूस करेंगे। भगवान श्री राम को खीर का भोग लगाएं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज प्रॉपर्टी लेने का मन बनाएंगे। कोई रुका हुआ काम पूरा होने से आपको खुशी मिलेगी। शाम तक आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। आसपास के लोग आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न होंगे। आज आप ताजगी से परिपूर्ण रहेंगे। दांपत्य जीवन में नई नई खुशियां आएंगी। लव मेट के लिए आज का दिन अच्छा है। अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, आपका दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, घर के सहयोग से आप हर चीज़ को अच्छे से संभालने में सफल होंगे। आज आप किसी बात को लेकर विचारों में खोए रहेंगे। आज नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जो आगे चलकर आपके व्यापार में धन लाभ कराएंगे। घर पर किसी पार्टी के आयोजन का प्लान बनाएंगे। आज नवरात्र के 9वें दिन घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करने का मन बनाएंगे। आज के दिन श्री राम जी को चने से बने सत्तू का भोग लगाइए। आप हर काम को अच्छे से पूरा करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपको कुछ जरूरी कार्यों में दोस्तों की मदद मिलेगी। कई दिनों से अटका हुआ पैसा आज आपको वापस मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम लेकर आया है। पहले दी हुई किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा। आज आपकी रुचि किसी धार्मिक कार्य में रहेगी। घर पर हवन करें, व्यापार में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आपको अपनी कार्य कुशलता में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। आज लोगों के बीच आपके काम की तारीफ होगी। वहीं आर्थिक लाभ पाने के लिए आज आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी नए कार्य को लेकर योजना बनाएंगे। आज वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतें। किसी मामले पर आपको बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम बरतना जरूरी है। व्यापार में अच्छा धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। गायत्री मंत्र का जप करें, विरोधियों से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज बच्चों के किसी काम में आपके पैसे खर्च होंगे।
आपके व्यवहार से कुछ लोग आज काफ़ी प्रभावित होंगे, लोगों से आपको काम में मदद मिलेगी, आपसी विश्वास के सहारे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। आपकी कोई ख़ास इच्छा जो काफ़ी समय से अधूरी थी वो आज पूरी होगी। ऑफिस में अधिकारियों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। काम के मामले में आपको अनुभवी लोगों से संपर्क बढ़ाने की ज़रूरत है। घर के बड़ों का आशीर्वाद लें, पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक रिश्ते आज और बेहतर होंगे। कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मित्रों से सलाह ले करेंगे। आज पूरे दिन आपका मन पूजा पाठ में लगा रहेगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, समस्त कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज आपके परफॉर्मेंस से लोग प्रभावित होंगे। व्यवसाय में आपको फायदा हो सकता है। ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए किसी सहकर्मी की मदद मिलेगी और आपको कार्य में सफलता भी हासिल होगी। आज किसी से भी बेवजह उलझने से बचें। आज अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। जरूरतमंद को जौ दान करें, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आप अपने जीवन साथी से बिजनेस की कोई बात शेयर करेंगे। पारिवारिक काम को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके सहपाठी किसी प्रश्न को समझने के लिए आपसे मदद लेंगे। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सेहत के लिहाज से आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज परिवार सहित माता सिद्धिदात्री की आरती करें, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज आपके भाग्य के सितारे बुलंद होंगे। आज आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और आपका दिन शानदार रहेगा। नव विवाहित दंपति के रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। आज का दिन व्यावसायिक प्रगति के साथ साथ स्वास्थ्य के लिहाज से सफल रहेगा। आज ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आज आपकी मुलाकात अपने पुराने दोस्तों से हो सकती है। माता के दर्शन करें, जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। किसी काम में की गई मेहनत आज रंग लाएगी। करियर के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। ऑफिस में अधूरे पड़े कार्य आज पूरे हो जाएंगे। काम में सीनियर्स का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं अगर बिजनेस करते हैं तो आज धन लाभ होने की संभावना है। सरकारी संस्थान से जुड़े लोगों का दिन शानदार रहेगा। आज आपको ऑफिस का काम घर पर ही करना पड़ेगा। आज भगवान श्री राम को मिठाई का भोग लगाएं, समस्याओं का समाधान होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो गौशाला में हरा चारा दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी छोटी कन्या को वस्त्र दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपका ज़्यादा समय अपने माता पिता के साथ बीतेगा, जिससे आपको खुशी महसूस होगी। मूलांक 2, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मूलांक 3, जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे, साथ ही आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। मूलांक 4, आज आपको खोई हुई कोई वस्तु मिल सकती है, जिससे आपकी टेंशन कम होगी। मूलांक 5, पैसों के मामले में लोगों पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। मूलांक 6, आपके विचारों और कामकाज से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जिससे आपके परिवार को आप पर गर्व होगा। मूलांक 7, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी,
थोड़ी मेहनत से अच्छा प्रॉफिट होगा। मूलांक 8, परिवार में सदस्यों के साथ रिश्ते में सुधार होगा जिससे आपके बीच मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 9, आज का दिन शानदार रहने वाला है, आप अपनी सोच और व्यवहार सकारात्मक रखेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। नवरात्र स्पेशल वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे हवन की दिशा के बारे में। शास्त्रों में नवरात्र के दौरान नौमी तिथि को हवन करने की बात कही गई है और आज नौमी तिथि है। आपको बता दूं कि देवी अष्टगंध के अलावा जौ, गुग्गुल, तिल इत्यादि से यज्ञ करने से उत्पन्न धुएं से न केवल व्यक्ति का माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ठीक होता है बल्कि घर के वास्तु में और घर की कलेक्टिव बायोक्लॉक में बड़े ही पॉजिटिव बदलाव आते हैं। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के बीच बसे हमारे घर में अग्निकोण हवन के लिए सबसे अच्छा होता है। घर के अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व का कोना यानी घर का वो हिस्सा जहाँ दक्षिण और पूर्व दिशाएँ मिलती हैं वहाँ बैठकर हवन करना सबसे अच्छा होता है। सही दिशा में किया गया हवन सही परिणाम देता है और उससे वास्तु संबंधी समस्या शांत होती है। हवन करने वाले व्यक्ति को भी दक्षिण पूर्व दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा हवन की दिशा के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और बुधवार का दिन है। नौमी तिथि आज दोपहर 3:15 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का नवा दिन है। नवरात्र के नवें दिन माता दुर्गा के नवें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें माँ कमला भी कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। सिद्धिदात्री नाम से ही स्पष्ट है सिद्धियों को देने वाली। कहते हैं इनकी पूजा से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। देवी सिद्धिदात्री सुख समृद्धि और धन की प्रतीक हैं। कहा जाता है कि देवी सिद्धिदात्री में संसार की सारी शक्तियां हैं। देवी सिद्धिदात्री ने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों के अत्याचार को समाप्त करके दुनिया का कल्याण किया था। माना जाता है कि भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था और उन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। लिहाजा विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए आज सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही इस अति विशिष्ट मंत्र का 21 बार जप भी करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हों क्लीं जोसाह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हं संग लं छं फट स्वाहा। तो ये थी चर्चा माता सिद्धिदात्री की। और अब बात करते हैं आज के दिन माता के निमित्त कौन से उपाय करके आप अपने प्रोफेशन के ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं या मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं तो आज आपको चने या चने की दाल का दान करना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं तो आज आपको बालों में लगाने वाली क्लिप दान करनी चाहिए। और अगर आप प्रशासक हैं या आप किसी प्रशासनिक कार्य से जुड़े हैं तो आज आपको जुराब का दान करना चाहिए। अगर आप IT प्रोफेशनल हैं तो आज आपको हेयर बैंड का दान करना चाहिए। अगर आप आर्म्ड यानी किसी भी तरह के फोर्स में कार्यरत हैं तो आज आपको चुनरी या दुपट्टे का दान करना चाहिए। अगर आप टेली कम्युनिकेशन यानी दूर संचार से संबंधित कार्य करते हैं तो आज आपको परफ्यूम का दान करना चाहिए। अगर आप कॉरपोरेट जगत में कार्यरत हैं तो आज आपको जूते या चप्पल का दान करना चाहिए। अगर आप मर्चेंट नेवी में हैं तो आज आपको दूध का दान करना चाहिए। तो ये थी चर्चा। आज अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों को माता के निमित्त क्या उपाय करने चाहिए। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने 8 दिन तक व्रत रखा है और आज कन्या खिलाएंगे। कन्या भोज यानी कन्या खिलाने के बाद आपको कन्याओं को क्या दान करना चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कन्या भोज की। कन्या भोज में कम से कम 7 कन्या और 1 लंगूर यानी बालक को भोजन कराना चाहिए। अगर आप 1 कन्या भी खिलाएंगे तो आपको फायदा होगा। और अब बात करते हैं कि क्या दें कन्याओं को तोहफा। अगर आप रियल इस्टेट का व्यापार करते हैं
या किसी रियल इस्टेट की कंपनी में कार्यरत हैं, तो आज आप कन्याओं को पत्थर की मूर्ति दान करें। अगर आप व्यापारी हैं तो आज आप कन्याओं को साबुत मूंग का दान करें। अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं या किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट के कार्य से जुड़े हैं तो आज आप कन्याओं को नमकीन और बादाम दान करें। अगर आप उद्योगपति हैं तो आज आप कन्याओं को सोने की कोई भी चीज़ दान करें। अगर आप लोहा व्यवसायी हैं या आप लोहे से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो आज आप कन्याओं को काजू और किशमिश दान दें। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आज आप कन्याओं को कमर की बेल्ट दान करें। अगर आप बैंकर हैं या आप किसी बैंक में कार्यरत हैं तो आज आप कन्याओं को केला और चावल दान दें। अगर ठेकेदार हैं या किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट का कार्य करते हैं तो आज आपको कन्याओं को नकद पैसे दान करने चाहिए। अगर आप फिल्म और ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज आप कन्याओं को दही दान करें। अगर आप खिलाड़ी हैं या आप किसी भी प्रकार के स्पोर्ट से जुड़े हैं तो आज आप कन्याओं को मसूर की दाल दान करें। अगर आप ज्योतिषी या संत हैं तो आज आप कन्याओं को किसी भी तरह की धार्मिक पुस्तक दान करें। तो ये थी चर्चा, आज नौमी तिथि को कन्या भोज के बाद उनको क्या दान करना चाहिए। और अब बात करते हैं रामनवमी की। चैत्र नवरात्र की नौमी तिथि को श्री राम नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी को दोपहर के समय कर्क लग्न में हुआ था। उस समय चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में था और सूर्यदेव मेष राशि में। रामनवमी के दिन व्रत रखने की भी मान्यता है। रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान करने से सुखी व शांत गृहस्थ जीवन, रक्षा और सम्मान प्राप्त होता है। अगर आपने नवरात्र में राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान नहीं किया है तो आज ही 11 या 21 जप कर लीजिए। अगर आप पूरा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते तो एक श्लोक श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम। श्री राम का मुख्य मंत्र है रांग रामाय नमः। आज के दिन इस मंत्र का जप करने से आपको सुख और सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही आज पूजा आदि के बाद हवन करने का भी विधान है। आज तिल, जौ और गुग्गुल को मिलाकर हवन करना चाहिए। हवन में जौ के मुकाबले तिल दोगुना होना चाहिए और गुग्गुल आदि हवन सामग्री जौ के बराबर होनी चाहिए। रामनवमी के दिन घर में हवन आदि करने से घर के अंदर किसी भी प्रकार की अनिष्ट शक्ति का प्रवेश नहीं हो पाता और घर की सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। ये थी चर्चा रामनवमी के दिन किए जाने वाले अनुष्ठान और हवन की। और अब बात करते हैं आज रामनवमी के दिन राम यंत्र बनाने की। श्री राम यंत्र बनाने के लिए आपको एक भोजपत्र, अनार की कलम और केसर की स्याही की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को न जुटा पाएँ तो आप केवल एक सफ़ेद कागज या लाल स्केच पेन या पेन ले लें। अब भोजपत्र पर या सफ़ेद कागज पर एक बिंदु बनाइए, फिर इस बिंदु के बाहर एक त्रिकोण बनाइए। अब फिर से उस त्रिकोण के विपरीत एक और त्रिकोण बनाइए। इस तरह ये एक षटकोण बन जाएगा। अब षटकोण के बाहर एक वृत्त बनाइए और वृत्त के बाहर 8 कमल की पंखुड़ियाँ बनाइए। राम यंत्र बनाते समय हर स्टेप को करने की एक ही प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया है सबसे पहले पूर्व दिशा में श्री राम का स्मरण करते हुए अपनी आँखों को बंद करके दोनों भवों के बीच त्रिपुटी पर अपना ध्यान केंद्रित करें और ओम शब्द का सस्वर 6 बार उच्चारण करें। फिर दाहिनी नाक से सांस खींचिए, रोकिए और श्री राम का स्मरण करके बाईं नाक से निकाल दीजिए। ऐसा 6 बार करना है। फिर राम शब्द का सस्वर 108 बार उच्चारण करके अपनी आंखें खोलिए। इस तरह आपका यंत्र तैयार हो जाएगा। तो ये थी चर्चा राम यंत्र बनाने की। और अब बात करते हैं आज रामनवमी के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको प्रभु श्री राम के किस मंत्र का जप करना चाहिए। अपने ज्ञान और बौद्धिक क्षमता की बढ़ोतरी के लिए इस मंत्र का 51 बार जप करें। मंत्र है रांग रामाय नमः। अगर आप किसी को सम्मोहित करना चाहते हैं तो भगवान श्री राम के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है क्लींग रामाय नमः। अगर आप हृष्ट पुष्ट यानी बलवान होना चाहते हैं तो आज इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र है
ह्रीं रामाय नमः। विद्या प्राप्ति के लिए आज आपको भगवान श्री राम के इस मंत्र का 7 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ऐं रामाय नमः। धन प्राप्ति के लिए यानी अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए आज आप भगवान श्री राम के इस मंत्र की 1 माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र है श्री रामाय नमः। तो ये थी मंत्र की बात, और अब जान लेते हैं आज भगवान राम को क्या चाहें। अपने धन धान्य में बढ़ोतरी के लिए भगवान श्री राम को आज बेल के फूल चाहें। राजनीति में सफलता पाने के लिए आज प्रभु श्री राम को चंदन और चमेली का फूल अर्पित करें। वशीकरण के लिए आज भगवान राम को नीले कमल का फूल चढ़ाएं। बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए आज भगवान राम को दूर्व यानी दूर्वा चढ़ाएं। बुद्धि और विवेक में बढ़ोतरी के लिए आज भगवान राम को पलाश के फूल अर्पित करें। परिवार में खुशियों की बढ़ोतरी के लिए प्रभु श्री राम को लाल कमल चढ़ाएं। तो ये थी चर्चा आज नवरात्र के दिन माता सिद्धिदात्री और रामनवमी की। और अब बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग रहेगा। बता दूं कि रवि योग के प्रभाव से आपके सारे काम बन सकते हैं। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग बहुत ही प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता, अपितु यह शुभ फल ही देता है। रवि योग सभी कुयोगों को अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। अतः इस योग में जो भी कार्य किए जाएं वो सफल जरूर होते हैं। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:57 तक आश्लेखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेखा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, और नाग देवताओं को आश्लेखा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। साथ ही आश्लेखा नक्षत्र की राशि कर्क है। आश्लेखा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, और पेड़ पौधों में इसका संबंध नाग केसर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को नाग केसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले रवि योग और आश्लेखा नक्षत्र की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आपका कोई काम आपके मन मुताबिक पूरा होगा जिससे आप बहुत खुश होंगे। B, व्यापार में आज काफ़ी फायदा होगा, आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। C, नए कार्यों में भाग्य आपका पूरा साथ देगा, साथ ही धन प्राप्ति के अच्छे योग भी बनेंगे। D, आज दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं जिससे आपकी दोस्ती और मजबूत बनेगी। E, आज धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, जीवन साथी के साथ मंदिर दर्शन करने जाएंगे। F, किसी कार्य को करने में पूरा फोकस बनाए रखें, नहीं तो आपका वो काम आपको दोबारा करना पड़ सकता है। G, आज का दिन अच्छा जाएगा, आपको जॉब मिलने के योग बन रहे हैं। H, अगर कोई नया घर खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन बेहतरीन रहेगा। I, अचानक आपको किसी काम से धन लाभ होगा, आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर बनेगा। J, लव मेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, साथ मूवी देखने जा सकते हैं। K, वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा है, पुराने केस में आपको सफलता प्राप्त होगी। L, आज किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है जिससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। M, किसी करीबी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं, वहाँ आपका मान सम्मान होगा। N, नव विवाहित आज किसी मंदिर दर्शन करने जाएंगे जिससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। O, टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। P, इंटरव्यू में जा रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाएं, आपको सफलता मिलेगी। Q, आज आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे, साथ ही आपका ध्यान
सोशल वर्क की तरफ रहेगा। आर रुपए पैसे के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी, साथ ही खर्च करने पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। एस आज का दिन अच्छा रहेगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। टी आज व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आपको आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। यू छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। वी आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, साथ ही आपकी हेल्थ भी पहले से अच्छी रहेगी। डब्ल्यू आपके लिए आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आएगा, ये परिणाम आपके व्यवसाय से जुड़े होंगे। एक्स आज किसी बिजनेस डील के लिए जा सकते हैं, ये डील आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। वाई आज का दिन बच्चों के साथ बीतेगा, शाम को कहीं घूमने या किसी पार्क में जा सकते हैं। जेड जीवन साथी के साथ घूमने जाएंगे, साथ ही किसी काम में सहयोग भी मिलेगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज के दिन अयोध्या में राम जी के दर्शनों का विशेष महत्व है, तो आज हम आपको घर बैठे कराने जा रहे हैं अयोध्या पुरी और रामलला के विशेष दर्शन। राम जन्मभूमि पर तो भव्य राम मंदिर का निर्माण अब हो चुका है, रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, वहीं अयोध्या का दृश्य अब पहले से पूरी तरह से बदल चुका है। अब अयोध्या का हर घाट जगमगाता हुआ नजर आता है, सरयू भी साफ सुथरी अविरल दिखती हैं। तो आज रामनवमी के शुभ अवसर पर आप करें अयोध्या पुरी और रामलला के दिव्य दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की, सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे उंगलियों में तीन शंख के निशान की। अगर जातक की उंगलियों में तीन निशान शंख के हों तो उनका जीवन कैसा रहता है, सुखी है या फिर परेशानी? तो जिस व्यक्ति की उंगलियों में तीन शंख के निशान होते हैं उन लोगों को जीवन में ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। ऐसे जातक हर प्रकार की सुख सुविधाओं का धन वैभव मान सम्मान से संपन्न होते हैं। इन जातकों को अपने करियर के लिए भी ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता, ये अपने जीवन में बिल्कुल सीधी लाइन में चलते हैं। समय से घर आना, समय से खाना, समय से जागना और समय से काम पर जाना, इनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ये सामाजिक नहीं होते, लेकिन ये ज़्यादातर अपने साथ ही जीवन जीने की कोशिश करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा उंगलियों में तीन शंख के निशान के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 17 अप्रैल चैत्र शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि है, नौवीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। नौवीं तिथि आज दोपहर के बाद 3:15 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 5:32 तक रहेगी। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए, कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का, आज श्री राम की स्तुति करिए, सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।